कहानी के शुरू में हम कुछ लड़कों को देखते हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए थे क्योंकि आज हैलोवीन की रात थी। हैलोवीन वो त्योहार जिसमें लोग अलग अलग तरह के कपड़े और मास्क पहनकर घूमा करते थे। अब ये सब लड़के किसी को मारने के पीछे भाग रहे थे। वो चीज दरअसल असल में एक स्केयरक्रो की तरह दिखने वाला इंसान था। स्केयरक्रो वो जो अक्सर खेतों में जानवरों के हमले से बचने के लिए लगाया जाता है। टाउन वालों का कहना था वो एक इविल एंटिटी है, एक बुरी आत्मा जो स्केयरक्रो की शक्ल में हर साल हैलोवीन की रात को फील्ड्स खेतों में से जागती है। और उस आत्मा को सब सौतुथ के नाम से जानते थे। वो सौतुथ जब जागता है तो एक चर्च की तरफ जाने लगता है ताकि वो चर्च की बेल बजा सके। तो हर साल इस टाउन के जवान लड़कों का काम उसे खत्म करके चर्च तक जाने से रोकने का है। और जो लड़का भी उसे मारता उसके बदले में उसे इनाम दिया जाता था। तो अब यही सब कुछ चल रहा था। आज रात भी हैलोवीन की रात शुरू होती है। खेतों में से सौतुथ उठकर चर्च की तरफ जाता है मगर बहुत से लड़के जो उसके इंतजार में थे ताकि उसका शिकार कर सके तभी उसके पीछे भागते हैं। अब एक लड़का उसे पकड़कर मार देता है और उसे खाने लगा था। सौतुथ के जिस्म में से बहुत सी कैंडीज निकल रही थी जिसे वो लड़का मजे से खा रहा था। ऐसा क्यों था हमें आगे कहानी में पता चलेगा। ये लड़का जीत जाता है। अब जो टाउन का मालिक होता है वो इसे बहुत बड़ा इनाम देता है जिसमें एक गाड़ी और पूरी दुनिया घूमने के पैसे थे। साथ ही उसकी फैमिली को भी बहुत कुछ दिया जाता है। वो लड़का इतना कुछ जीतने के बाद बहुत खुश था और अपनी नई गाड़ी लेकर दुनिया घूमने के लिए निकल जाता है। उस लड़के की फैमिली में उसके मॉम डैड और उसका छोटा भाई था जिसका नाम रिची होता है। वो भी अपने भाई के साथ घूमने जाना चाहता था मगर वो रिची को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। अब कहानी आती है एक साल आगे और हैलोवीन के 5 दिन पहले की दिखाई जाती है। रिची जिसको इसका भाई इस टाउन में छोड़ गया था वो जब एक दिन थिएटर के बाहर से गुजर रहा था तो एक लड़की को देखता है जिसका नाम केली होता है जो अभी अभी इस टाउन में शिफ्ट हुई थी। इसके बाद रिची अपने स्कूल जाता है जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर सब लड़कों को बता रहा था कि हैलोवीन आने वाली है। सौतुथ का शिकार आसान बात नहीं है, तुम में से बहुत सी लड़कों की जान भी जा सकती है पर हमें उसे किसी भी तरह रोकना होगा। एक बार जब हम उसे रोकने में नाकाम हुए तो हमारे टाउन में बहुत बड़ी तबाही हो गई जिससे निकलने में हमें बहुत वक्त लगा। इसीलिए हैलोवीन से 3 दिन पहले सब लड़कों को भूखा प्यासा बंद कर दिया जाता है और इन्हें हैलोवीन की रात को ही निकाला जाएगा ताकि ये खूनखार दरिंदे बनकर उस सौतुथ का शिकार कर सके। और इस साल भी जो भी जीतेगा उसे भी लेटेस्ट कार और दुनिया घूमने के लिए पैसे दिए जाएंगे। मगर इस गेम में हर फैमिली से सिर्फ एक ही लड़का एक बार हिस्सा ले सकता है। अब यही असूल को रिची तोड़ने वाला था क्योंकि वो ये साबित करना चाहता था कि वो भी अपने भाई की तरह बहादुर है जैसे हमने कहानी के शुरू में देखा। यही स्कूल में एक लड़का जो बिल्कुल रिची के भाई की कॉपी था वो रिची से जेलस होता है इसीलिए क्योंकि वो भी उसके बराबर आना चाहता था और खुद को बहादुर साबित करने की दौड़ में लगा था। जैसा कि इस गेम का असूल था कि हर फैमिली से सिर्फ एक बार एक ही लड़का हिस्सा ले सकता है तो रिची का भाई हिस्सा ले चुका था मगर रिची फिर भी जबरदस्ती अब हिस्सा लेना चाहता था इसीलिए उस लड़के के साथ लड़ाई हो जाती है जो नहीं चाहता था कि रिची इस गेम में हिस्सा ले। अब ऑफिसर आता है और दोनों को वहाँ से बाहर निकाल देता है। अब जो सौतुथ की कहानी पूरे टाउन में फैली हुई थी कोई तो इस बात पर बहुत यकीन करता था मगर कईयों को ये बात झूठी लगती है। उनका मानना था कि ऐसा कुछ नहीं है लेकिन जो लोग यकीन करते थे उनका मानना था कि उन्होंने सौतुथ को देखा जो बहुत खतरनाक है। अब रिची तो स्कूल से बाहर आ जाता है मगर वो लड़का जो उसके साथ क्लास में लड़ा था अभी भी उसके पीछे था इसीलिए रिची केली के पास थिएटर में आ गया था। वो उसे पॉपकॉर्न और बॉटल देती है क्योंकि उसे भी रिची अच्छा लगने लगा था। रिची उसे पूछता है कि आज हैलोवीन की रात है तो तुम डांस पर आ रही हो ना, जिस पर केली कहती है कि नहीं क्योंकि मैं ब्लैक हूँ इसलिए मुझे किसी ने नहीं बुलाया। वो उसे कहता है एक बार मुझे जीत जाने दो, मैं सौतुथ को मारकर सब कुछ हासिल कर लूंगा और फिर हम दुनिया घूमेंगे। जिसके बाद अब रिची वापिस आकर अपने दोस्तों से मिलता है। एक दोस्त उसका बहुत डरपोक था जबकि दूसरा बहादुर वो रिची के जरिए जीतना चाहता था। ऐसा तब मुमकिन होता जब रिची गेम में हिस्सा लेता इसलिए वो उसे उकसा रहा था। कहता है कि तुम्हें सबको ये साबित करना होगा कि तुम भी अपने भाई से कम नहीं हो, तुम भी सब कुछ कर सकते हो। इसलिए अब रिची गेम में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। इस बारे में अपने मॉम डैड से भी बात करता है मगर उसके मॉम डैड उसे मना करते हैं। रिची के डैड उसे कई बार समझाते हैं, जब रिची नहीं सुनता तो इस बार उसके डैड जोर से थप्पड़ मारते हैं मगर अब तो रिची की जिद थी कि वो सौतुथ का शिकार लाजमी करेगा। आखिर रिची के मॉम डैड उसे क्यों मना कर रहे थे, क्या राज था इसके पीछे? तभी रिची को अपने भाई का लेटर आता है और एक कार्ड भी मिलता है जो अक्सर वो इसके पास भेजा करता था। इसके बाद रिची अपने घर से बाहर आ जाता है जहाँ पर उसे अपने भाई की दोस्त मिलती है जो आज भी उसके भाई का इंतजार कर रही थी जो कि अब तक दुनिया घूम कर नहीं आया था। रिची की मॉम चाहती थी कि वो लड़की उनके बेटे को भूल जाए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। इसी बीच हम एक फार्मर किसान को देखते हैं
है जो एक स्केयरक्रो को तैयार करके खेतों में लटका रहा था और यही हेलोवीन की रात को जिंदा होकर सौतूत बनने वाला था। ऐसा कैसे मुमकिन था, ये सब हमें आहिस्ता आहिस्ता कहानी में आगे पता चलेगा। एक दिन जब रिची स्कूल जा रहा था तो उसे रास्ते में वही लड़का मिलता है जो स्कूल में अक्सर उसे तंग किया करता था। वो अब भी रिची को रोक कर पूरी तरह से मारता है और उसकी पैंट से बेल्ट को उतार कर ले जाता है। ये बेल्ट रिची के भाई ने उसे दी थी। अब उसे फिर से उसके भाई का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि रिची जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम्हें ही मॉम डैड का ख्याल रखना होगा। वो इन सब बातों से परेशान हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आती कि आखिर वो करे तो क्या करे, इसलिए गुस्से में एक गाड़ी को चुराता है और टाउन छोड़कर जाने लगता है कि तभी रास्ते में उसे ऑफिसर ने पकड़ लिया था। जब रिची भागने की कोशिश करता है तो पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और खूब मारता है जिस वजह से वो बेहोश हो गया था। अब हेलोवीन की रात आने वाली थी इसलिए सब लड़कों को भूखा प्यासा उनके घरों में बंद कर दिया जाता है और जब हेलोवीन की रात आती है तो उन्हें सबको बाहर निकाला जाता है। तब पागलों की तरह सौतूत का शिकार करने भाग रहे थे क्योंकि वो बहुत दिन से भूखे थे। उधर किसान ने भी सौतूत के जिस्म में बहुत सी कैंडीज भर दी थी जिसके बाद वो जिंदा भी हो जाता है। इधर रिची जिसको पुलिस की मार के बाद अब होश आया था उसके डैड उसे कहते हैं कि देखो बेटा तुम्हारे पास सब कुछ है तुम इस मौत के खेल में क्यों जाना चाहते हो। उसकी मॉम भी उसके आगे हाथ जोड़ती है मगर वो किसी की भी बात को नहीं सुनता और अपने दोस्तों के साथ एक गाड़ी में बैठकर सौतूत के शिकार पर निकल जाता है। इन्होंने ड्राउने मास्क पहने हुए थे मगर रास्ते में सौतूत इनकी गाड़ी से टकरा गया था। अब वो एक एक करके सबको मार रहा था। वो रिची के एक दोस्त के कुल्हाड़ी से दो टुकड़े कर देता है। रिची और उसका दूसरा दोस्त अब भी सौतूत के पीछे थे मगर अचानक से उसके दोस्त का आधा सर गायब हो जाता है। उसे भी सौतूत ने मार दिया था। अब बचा था तो सिर्फ रिची। सौतूत उसके सामने आ जाता है जिसे देख कर वो डर गया था और भागने लगता है। आगे उसे केली और उसका एक और दोस्त मिलते हैं। केली भी उस सौतूत का शिकार करना चाहती थी मगर ये सब असूलों के खिलाफ था क्योंकि एक लड़की कभी भी सौतूत का शिकार नहीं कर सकती थी। रिची उससे कहता है कि हमें कोई हथियार चाहिए जिससे हम उसे मार सकें। उधर रिची का डरपोक दोस्त भागकर अपने घर आ जाता है मगर उसके मॉम डैड उसे अंदर आने नहीं देते। उनका कहना था कि वो जाकर सौतूत का शिकार करे और इनाम जीतकर उनकी जिंदगी को आसान बनाए, इसीलिए वो उसे अंदर आने नहीं देते। तभी बाहर से एक बच्चा जो खिड़की में खड़ा था वो रिची के दोस्त को बताता है कि तुम्हारे पीछे सौतूत है और होता भी ऐसा ही है। रिची का दोस्त उसे देखकर यहाँ से भागता है। वो एक बेसमेंट में पहुँचता है जहाँ पर बहुत से लड़के छुपे हुए थे। वो उनसे कहता है कि दरवाजा खोलो मुझे भी अंदर आने दो पर वो उससे पैसे मांगते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद वो लड़के ये फैसला करते हैं कि उन्हें दरवाजा खोल देना चाहिए और उसे अंदर आने देना चाहिए मगर इस फैसले में उन्हें बहुत देर हो गई थी। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं सौतूत रिची के दोस्त को पकड़कर उसके जबड़े के दो हिस्से कर देता है और फिर बेसमेंट के अंदर जाकर सभी लड़कों को मार देता है। बाहर खून के फुहारे निकल रहे थे जिसे खिड़की में छोटा बच्चा खड़ा देखकर चीख रहा था। उधर रिची और केली भी पुलिस ऑफिसर के घर पहुंचते हैं जहां पर से वो उसकी गन को चुराते हैं और उसकी गाड़ी को भी चलाकर वहां से निकल गए थे। टाउन में भी एक अजीब सा माहौल था। भूख से पागल लड़के स्टोर पर हमला करते हैं। उन्होंने गार्ड को भी मार दिया था। माहौल इतना गर्म हो चुका था सभी एक दूसरे के खून के प्यासे थे। सौतूत भी ऐसा ही कर रहा था वो भी सबको मार रहा था। ये सब रिची और केली भी छुपकर देख रहे थे। तभी उनके पास वही लड़का जाता है जो स्कूल में रिची का दुश्मन था उसे तंग किया करता था। अब वहाँ पर उनके दरमियान में लड़ाई हो गई थी। केली उन्हें मारकर बेहोश कर देती है। ये दोबारा से अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। तभी इन्हें रेडियो पर मैसेज मिलता है कि सौतूत कहाँ पर है। अब ये जल्दी से उस जगह पर पहुँचते हैं। वो सौतूत रिची के सामने था। जब उसकी नजर सौतूत के बेल्ट पर जाती है तो वो एकदम से उस पर गोली चलाने से रुक जाता है। तभी जब सौतूत उन पर हमला करने लगता है तो केली उसे मारकर बेहोश कर देती है और रिची को वहाँ से ले आई थी। ये दोनों गाड़ी में बैठकर रिची के घर पहुँच गए थे जहाँ पर उसकी मॉम नींद की दवा खाकर उनके पास आती है जो कि टाउन के मालिक ने दी थी जो जीतने पर इनाम भी दिया करता था। जैसा कि हमने कहानी के शुरू में देखा रिची यहाँ पर अपनी मॉम से पिछले विनर्स के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है जो भी जीतता है वो ये टाउन छोड़कर चला जाता है और फिर दोबारा कभी वापस नहीं आता। सब यही कहते हैं कि वो दुनिया घूम रहे हैं और मजे कर रहे हैं मगर असल में ये सब झूठ था। कोई जानता ही नहीं था कि जीतने के बाद उन लोगों का क्या हुआ। अगर पता भी है तो कोई बताता नहीं। रिची समझ गया था जो लेटर्स इसके पास इसके भाई की आया करती थी वो असल में इसकी मॉम भेजा करती थी ताकि इसे हिम्मत मिलती रहे। असल में रिची का भाई मर चुका था। रिची की मॉम कहती है कि बेटा किसी को मत छोड़ना। इतना बताकर रिची की मॉम ने अपनी जान ले ली थी। उधर सौतूत ने एक घर में जाकर उसे जला दिया था। वो घर असल में रिची और उसके भाई का पुराना घर था। अब यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कि सौतूत कोई और नहीं बल्कि रिची का भाई था जो पिछले साल इस गेम को जीता था जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा। इसलिए रिची उस बेल्ट को देखकर रुक गया था। असल में होता ये था कि जो भी लड़का जीतता उसे टाउन का मालिक बहुत से पैसे देता और उसे दुनिया घूमने बाहर भेज दिया जाता था। असल में तो कोई भी कभी इस टाउन से बाहर गया ही नहीं। पुलिस ऑफिसर रास्ते में ही उस लड़की को मार देता था। फिर उसके
के जिस्म इस्तेमाल करके अगला सौतुत बनाया जाता। इसीलिए यह असूल था कि हर फैमिली से एक ही लड़का इस गेम में हिस्सा ले सकता है, मतलब कि एक जिंदगी के बदले उसकी फैमिली को सारी सहूलतें दी जाती। मगर शुरू में किसी भी फैमिली को ये नहीं पता होता था कि उनका लड़का मर जाएगा और अगला सौतुत बनेगा। ये बात उन्हें बाद में पता चलती थी, मगर जानने के बाद भी वो फैमिली कुछ नहीं कर सकती। उन्हें डराया जाता कि ना तो वो टाउन से बाहर जाएंगे और ना ही कुछ बोलेंगे। ये सारा काम वहाँ का ऑफिसर किया करता था। फिर उस फैमिली को अपनी सारी जिंदगी उसी आलीशान घर में गुजारनी होती थी जो उनके बेटे की जान के बदले उन्हें दिया जाता, और उन्हें सोने के लिए दवाइयाँ भी दी जाती थी जो अक्सर रिची की मॉम भी खाया करती थी। इसका मतलब रिची के डैड इस वजह से उसे इस गेम में जाने से मना कर रहे थे ताकि वो उसकी जान को बचा सके। उन्हें दुख था कि उनका बड़ा बेटा ऐसे ही उन्हें छोड़कर चला गया, मगर ये सारी सच्चाई कभी भी वो रिची को नहीं बता सकते थे। अब भी उन्हें अपने बेटे की मौत का अफसोस था कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा सौतुत की शक्ल में घूम रही है और सबको मार रही है। उसे काला जादू करके फिर से जिंदा किया गया है ताकि उसे फिर से मारा जा सके। असल में ये सब काम इस टाउन का मालिक करवाया करता था। वो हर साल इस तरह का काला जादू किया करता पैसे कमाने के लिए, ताकि गवर्नमेंट को लगे असल में इस टाउन को मदद की जरूरत है और उसे ऐसे ही पैसे मिलते रहे, जिसका वो कुछ हिस्सा विनर को दे दिया करता था। ये था इस सौतुत और टाउन का पूरा सच। हम देखते हैं कि रिची के डैड ऑफिसर के पास जाते हैं और कहते हैं कि बस अब मैं और सच्चाई नहीं छुपा सकता अपने बेटे से, जिस पर वो ऑफिसर कहता है तुम्हें ये सब करना ही होगा और अपनी जुबान बंद रखने में ही तुम्हारी भलाई है। उधर रिची के पास कैली होती है जो उसे कह रही थी कि तुम्हें ये टाउन छोड़कर चले जाना चाहिए, मगर रिची के दिमाग में उसकी मॉम की आखिरी बात चल रही थी। उन्होंने कहा था कि रिची सब खत्म कर दो। कैली कहती है कि रिची अगर हम सौतुत को चर्च में जाने दें तो कोई उसे नहीं मारेगा, इस साल कोई विनर नहीं होगा और फिर ये इस तरह का सेक्रीफाइस कुर्बानियाँ भी रुक जाएंगी। अब रिची ऐसा ही करता है, अपने आलीशान घर को जलाकर चर्च में पहुंच जाता है जहां पर पहले से उसके डैड बैठे थे जो बिल्कुल चुप थे। सच्चाई जानने के बावजूद भी वो रिची को कुछ भी नहीं बताते। रिची उन्हें बताता है कि डैड मॉम हमें छोड़कर जा चुकी हैं। ये सुनकर उसके डैड टूट जाते हैं। तभी उधर सौतुत भी आ जाता है, यानी कि रिची का भाई, जिसे पीछे से एक लड़का आकर मार देता है। वो आकर रिची के पास गिर गया था और इशारा करता है कि वो उसे मार दे। रिची सारी सच्चाई जानने के बाद समझ जाता है ये सौतुत उसका भाई है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो उसे मार देता है और इस साल का विनर बन गया था। और गेम के असूल के मुताबिक उसे दुनिया घूमने के लिए भेज दिया जाता है। तभी टाउन वाले बहुत खुश थे क्योंकि कोई भी असलियत को नहीं जानता था। अब रिची के डैड पुलिस ऑफिसर को मारने के लिए निकल जाते हैं ताकि वो रिची को इस टाउन से जाने दे, मगर ऑफिसर और रिची के डैड के दरमियान में हाथापाई हो जाती है, जिसमें रिची के डैड बेहोश हो गए थे। उधर रिची कैली को लेकर टाउन से निकलने की तैयारी में था, पर आगे रास्ता बंद होता है और उनके पीछे से पुलिस ऑफिसर की गाड़ी आ रही थी। ये देखकर रिची कैली को गाड़ी में छुपने का कहता है और उसे ये भी कहता है कि मैं अगर 10 मिनट में वापस ना आया तो तुम अकेले ही इस टाउन को छोड़कर चले जाना। अब ऑफिसर रिची को लेकर फील्ड में आ जाता है। ऑफिसर इस बात को नहीं जानता था कि रिची को सारी सच्चाई पता है, इसीलिए वो उसे बातों में लगाकर यहाँ पर ले आया था। मगर रिची अपनी गन से उस ऑफिसर को ही मार देता है। उसे मारकर रिची को ये लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया, मगर तभी पीछे से किसान ने आकर रिची को मार दिया था। उसी किसान ने जो यहाँ पर सौतुत बनाया करता था और कब्र में दफना देता है जो उसके लिए ही खोदी गई थी, मतलब इस साल के विनर के लिए। जिसके बाद वहाँ पर रिची के डैड पहुँचते हैं जो अपने बेटे को तो नहीं बचा सकी थी, पर कैली से इस टाउन को छोड़ने का कहते हैं। अब कहानी दिखाई जाती है एक साल बाद की, जब किसान रिची के जिस्म को कब्र से निकाल कर सौतुत बना रहा था कि तभी उधर उसके डैड आ जाते हैं जिन्होंने किसान को मार दिया था, और अपने बेटे रिची से कहते हैं जो अब एक सौतुत बन चुका था कि बेटे पूरे टाउन को जलाकर खत्म कर दो, ना रहेगा टाउन और ना ही हर साल किसी भी फैमिली को अपने बेटे को सेक्रीफाइस कुर्बान करना पड़ेगा। हम रिची को देखते हैं जो सौतुत बनकर जोर से चीखता है, मतलब कि अब वो पूरे टाउन को जलाने वाला था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।